नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त की बड़ी खबर, इटावा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर ससुराल वालों ने विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर उसके शव को जला दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर शव के अवशेष को कब्जे में ले लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इटावा में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत हुई है। आरोप ससुराली जनों पर कि उन्होंने इस शव को जला दिया है। संदिग्ध हालात में मौत के बाद ससुराल वालों ने शव को जला दिया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप देखिए कैसे पुलिस टीम वहां पर है। संदिग्ध मामला इस महिला की मौत का, ससुराल वाले जो आरोपी हैं इस मामले में वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव के अवशेष को कब्जे में ले लिया है। बेरहम ससुराल वालों की आप करतूत देखिए। संदिग्ध हालात हैं जिनमें इस विवाहिता की मौत हुई बताई जा रही है। बड़ी खबर इटावा से। और एक और बड़ी खबर फतेहपुर से, वहां पर शहर के अशोक नगर मोहल्ले में खुद का क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने पेशेंट माँ और बेटी की बेरहमी से पिटाई की है। इसकी सीसीटीवी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। देखिए आप, पिटाई के बाद घायल महिला ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए आप तस्वीरें, डॉक्टर ने ही पेशेंट पर हमला किया है। फतेहपुर में मरीज मां बेटी पर डॉक्टर ने ही हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए आप। इधर मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। कांट रोड पर मौजूद राम गंगा विहार कॉलोनी में नगर निगम की टीम ने अभियान चलाया, लेकिन स्थानीय लोग निगम की कार्रवाई के विरोध में उतर आए। मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। नगर निगम की टीम के साथ लोगों ने मारपीट की। इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मारपीट करने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की टीम अतिक्रमण के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। वहीं पर नगर निगम के कर निरीक्षक राजवीर सिंह ये कह रहे हैं कि नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस कॉलोनी में लोगों ने अपने घर के बाहर नाले और नाले पर कब्जा कर लिया था और इसके चलते बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी और इसीलिए यह अभियान चलाया गया। निगम द्वारा यहाँ की आम जनता के द्वारा नगर आयुक्त महोदय से शिकायत की गई थी जी, तो उनकी जल निकासी और पानी जो है अवरुद्ध हो रहा है, निकलने गंदा पानी जी। उसी के क्रम में जनता की मांग पर, यहीं के क्षेत्र के लोगों की मांग पर आज अतिक्रमण अभियान रखा गया था जी। उसी के तहत प्रातः 11 बजे से थाना सिविल लाइन से फोर्स लेकर हमारे द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है जी। जिसमें मिस्टर राजे टंडन के मकान पर जब हम पहुँचे तो उसके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई जी। मेरे को पकड़ के नाली में गिराया गया जी। और हाथ से कीचड़ लेके मेरे ऊपर गिराने की कोशिश की जी, गिरा दी गई। इधर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की नई नई तस्वीरें रोज बरोज सामने आती हैं। कहीं अस्पताल की बत्ती गुल है, कहीं मशीनें धूल फांक रही हैं और कहीं एम्बुलेंस धक्के खा रही है। ऐसे हालात की एक और तस्वीर सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पैर में प्लास्टर और चलने में लाचार, बुजुर्ग को नहीं मिला स्ट्रेचर तो मरीजों ने साइकिल से अस्पताल पहुंचाया। इस तस्वीर को देखकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यही है यूपी के अस्पतालों की हकीकत। तस्वीर यूपी के कन्नौज की है, जहां मरीज को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाने के लिए
मरीज के परिजनों ने जब अस्पताल कर्मचारी से स्ट्रेचर की मांग की तो कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी से न सिर्फ पल्ला झाड़ा बल्कि मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिल सका। मजबूरी में बुजुर्ग के परिजनों ने मरीज को साइकिल पर बिठाकर अस्पताल के अंदर तक पहुंचाया और तय समय पर इनका इलाज संभव हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बाराबंकी में भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर परिवहन निगम की बस में जब एक यात्री की मौत हो गई तो संवेदनहीन ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला और उसके मृत पति को बस से नीचे उतार दिया। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि संवेदनहीनता किस स्तर तक जा पहुंची है। ये पुलिस में उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी है, पर ये मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इसमें हम जांच करते हैं, जो दोष होगा तो उसमें संबंधित विभाग को हम पत्राचार करेंगे। इंसानियत को शर्मसार करने का ये मामला बाराबंकी के रामनगर का है, जहां परिवहन विभाग की लखनऊ बहराइच बस से मृतक को उसकी पत्नी के साथ उतार दिया गया। बस से नीचे पति का शव लेकर पत्नी बिलखती रही। असल में हुआ ये कि बहराइच का रहने वाला मृतक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जब यात्रा के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर रामनगर चौराहे के पास यात्रियों ने बस रुकवा कर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाहिर है सवाल परिवहन विभाग पर भी है, जो यात्री सुविधा और सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन इस घटना ने न सिर्फ इनकी व्यवस्था बल्कि इनके कर्मचारियों की संवेदनहीनता को सबके सामने रख दिया है। सतीश कश्यप, बाराबंकी, एबीपी गंगा। संवेदनहीनता का आलम आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। दलित युवक से शादी रचाने पर बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। दरअसल बरेली में बीजेपी के विधायक की बेटी ने बुधवार को वीडियो जारी करके अपने पिता से खुद की जान का खतरा बताया था और इसी मुद्दे पर वीडियो वायरल होने के बाद अब विधायक राजेश मिश्रा का बयान आया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी मीडिया में चल रहा है वो सब गलत है, मेरी बेटी बालिग है और उसको अपना निर्णय खुद लेने का हक है। नहीं मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी है और न ही मेरे किसी आदमी ने और किसी परिवार के सदस्य ने मेरी बेटी को कोई धमकी दी है। बीजेपी विधायक का यह भी कहना है कि मैं और मेरा परिवार अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए मेरी ओर से बेटी की जान को कोई खतरा नहीं है। ये प्रेस विज्ञप्ति। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं, बहुत सारे काफी लोग थे, काफी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए
और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है, और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं। तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो बना गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी, हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि एक सोशल मीडिया की मदद से हम लोग भी जानकारी में आया, दो एक लड़का और लड़की दोनों ने हमको हमारे पापा से खतरा इस तरह ने वायरल किया है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमसे लिखित एप्लीकेशन मांगेगी हमको उनका जान का खतरा बोला, हम 100% उनको सुरक्षित दिलवाएंगे। अभी हम लोग उनका तलाश रहा है, वो हमारे सामने वो नहीं आया, केवल वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगा है, मैं 100% उनको सिक्योरिटी देंगे। मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, और मीडिया में जो मेरे खिलाफ़ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फ़ोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी, और हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें जा रहे हैं, जो गरीब कन्याओं की शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बाकी मुझे इससे कुछ नहीं कहना, वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, बालिग हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है भाई। और यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो 7 जुलाई का बताया जा रहा है, जब संस्कृति विभाग की ओर से बरखा विहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस कार्यक्रम में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी भी शामिल हुई थी। इस दौरान जब लोग शोर शराबा करने लगे तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया और वो भरी सभा में लोगों को मंच से फटकारने लगे। अब कैबिनेट मंत्री का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है। पहले चुप रहिए आदमियों के बंदर, चुप रहिए। ये कौन है जो सीटी बजा रहा है, खड़ा हो, कहेगा बदतमीज। एक भी यदि सीटी बजेगी तो उठा के फेंक दिया जाएगा, चुप रहिए। ये कौन है जो सीटी बजा रहा है, खड़ा हो, कहेगा बदतमीज। एक भी यदि सीटी बजेगी तो उठा के फेंक दिया जाएगा। अच्छा पहले चुप रहिए आदमियों के बंदर, चुप रहिए। और बिजनौर में बुधवार को पुलिस ने एक मदरसे में छापा मारा, इस दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इसके बाद अब ATS भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, ये बिजनौर का मदरसा दारुल कुरान हमीदिया है। यहाँ ये बच्चे मजहबी तालीम लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बीच पुलिस की टीम यहाँ क्यों तलाशी अभियान चला रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच में जरूर डूब गए होंगे, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आमतौर पर मदरसे में पुलिस का कोई काम नहीं होता, फिर यहाँ पुलिस किस चीज को तलाश कर रही है। दरअसल बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके में ये मदरसा दारुल कुरान हमीदिया लंबे वक्त से संचालित है। यहाँ करीब 25 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कभी पुलिस को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि यहाँ आकर छापेमारी जैसी कार्रवाई को अंजाम दे, लेकिन इस बार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहाँ छापा मारा है। पुलिस को जानकारी मिली थी
कि मदरसे में कई असामाजिक लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो अवैध हथियारों के साथ आते हैं और कुछ लेन देन भी होता है। मदरसे में सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो मदरसे के मालिक हैं साजी, वो जो है दवा चलाते हैं, तो मदरसा चलाते हैं, उसी के आड़ में जो है अवैध शस्त्रों का भी जो है आदान प्रदान करते हैं, ताकि जो है जो भी लोग आते हैं किसी को शक न हो, तो इसलिए अपना जो है देसी दवा का भी जो है करते हैं, बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो है शिक्षा देते हैं जी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इसमें जो है इस तरह से होता है, तो जो है हमने शेरपुर पुलिस के साथ जो है उसमें छापा मारा, छापे में 6 लोग जो है वहाँ से जो है मौके से जो हिरासत में लिए गए। इस सूचना के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और एक रणनीति के तहत भारी पुलिस फोर्स ने इलाके की घेराबंदी कर मदरसे में छापा मारा। हथियारों की तलाशी में पुलिस ने मदरसे में कई जगह तलाशी ली, बाइक, कार और कमरे में रखे सामान को खंगाला गया। इस दौरान दवा की पेटियों के बीच पुलिस ने 6 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस के जवान चप्पे चप्पे की गहनता से जाँच कर रहे हैं। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने मदरसा संचालक मोहम्मद साजिद समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। मामला कितना संगीन है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुधवार को हथियार बरामद होने के बाद अब एटीएस की टीम भी इस मामले की जांच में जुट गई है। मदरसे में हथियार रखने के पीछे क्या मकसद था, बच्चों के बीच मौत का सामान छिपा कर क्यों रखा गया, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में पुलिस और एटीएस की टीम जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला मुरादाबाद का है। वहां पर जानवरों को चारा लेने गई एक 15 साल की नाबालिग लड़की को गांव के ही 3 युवकों ने चले गए खेत में दबोच लिया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। लड़की के साथ 2 और लड़कियाँ भी थीं। उन्होंने गाँव में आकर बताया तो मौके पर पीड़ित लड़की के चाचा पहुँचे और आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे पीड़ित के चाचा भी जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 वहां से भागने में कामयाब रहा। थाना भगतपुर क्षेत्र में एक रेप का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 15 साल के आसपास बताई गई है। उसके पूर्व के जानने वाले 3 युवकों द्वारा इसके साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें कानपुर से मिल रही है। वहां पर 3 बच्चे नदी में डूब गए हैं। मिश्कर घाट पर नहाते हुए यह हादसा हुआ है। गोताखोरों ने 2 शव बरामद किए हैं, 1 बच्चे को गोताखोरों ने बचा लिया है। ये सारी घटनाएं कैंट थाना इलाके की। कानपुर से बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर, 3 बच्चे नदी में डूब गए हैं, 1 बच्चे को गोताखोरों ने बचाया है। ये सारी घटना कैंट थाना इलाके की है। बड़ा अपडेट इस वक्त कानपुर से, 3 बच्चे नदी में डूबे हैं। नहाते वक्त मेशकर घाट पर यह हादसा पेश आया है। 2 शव गोताखोरों ने बरामद किए हैं और 1 को बचा लिया गया है। नहाने गए थे बच्चे, जब यह हादसा हुआ, 3 बच्चे डूबे, 1 बच्चे को गोताखोरों ने बचा लिया और 2 शव बरामद किए गए। कैंट थाना इलाके की घटना। अगली खबर बाराबंकी से है। वहां पर 7 महीने पहले एक विवाहिता ससुराल से गायब हो गई थी और उसके बाद मायके वालों ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उसके अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करवा दिया था। वो महिला अपने प्रेमी के साथ जिंदा बरामद हुई। इसके बाद अब पुलिस महिला के परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की कस्टडी में सही सलामत दिख रही ये महिला कागजों में मर चुकी थी, लेकिन अचानक इसके जिंदा होने से हड़कंप मच गया है। अपने 5 साल के बच्चे और पति को छोड़कर ये महिला एक दूसरी जिंदगी जी रही थी। इस पर प्यार का ऐसा बुखार सवार हुआ कि
कि अपने परिवार की खुशियों को दरकिनार कर ये अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। लेकिन पुलिस ने इसे काफी मशक्कत के बाद प्रेमी के साथ ढूंढ ही लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 7 महीने पहले विवाहिता के लापता होने पर इसके परिवार वालों ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट की मदद से अपहरण और हत्या का केस दर्ज करवाया था। अपहरण और हत्या के पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगे, जिसके चलते पुलिस लगातार महिला की खोजबीन में जुटी रही और महिला के परिवार से भी मदद की अपील करती रही। लेकिन अब ये महिला अपने प्रेमी के साथ जिंदा बरामद हुई है, तो पुलिस महिला के परिजनों के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, बाराबंकी की इस घटना से ये साबित भी हो गया। एक और महिला प्यार में इस तरह बह गई कि अपने परिवार वालों की उसे जरा भी चिंता नहीं हुई। वहीं मायके वालों की करतूत और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को रोड सेफ्टी के सख्त निर्देश दिए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 29 लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को प्रदेश में सख्ती से लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मौजूद रहे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। सड़क सुरक्षा पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, अहम बैठक की उन्होंने आज। दोनों उप मुख्यमंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारी, सब लोग मौजूद थे। कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को। ड्राइवर को 5 घंटे आराम दिया जाए, ये स्पष्ट कहा मुख्यमंत्री ने। कहा कि स्कूल के वाहनों को भी पुख्ता रूप से चेक किया जाए, कटारा वाहन किसी सूरत में सड़क पर ना दिखे। सड़क दुर्घटनाएं हो रही है किसी भी कारण से, विस्तार से उस पर चर्चा हुई है और रोकने के लिए कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। और आप सबसे भी आह्वान है कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं, क्योंकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्घटनाओं के जो कारण हैं उन पर चर्चा हुई, उनके निवारण के लिए तैयार कर रही है और कई ऐसे कदम उठाए जाने हैं और पहले भी उठाए गए हैं। हमारा पहला लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में हम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी कर सकते। उधर कर्नाटक के 10 बागी विधायकों ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपना इस्तीफा कन्फर्म करने के लिए विधानसभा में स्पीकर से मुलाकात की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्पीकर को उनके इस्तीफों पर आज ही फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे पर स्पीकर को आदेश जारी करेंगे। शुक्रवार को आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। आपको बता दें कि इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है। इस खबर के साथ ही गंगा प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए उत्तराखंड प्राइम।